क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट में केवल 3 स्टंप्स ही क्यों होते हैं, 4 या फिर 5 स्टंप्स क्यों नहीं होते हैं? क्या इसके पीछे की सच्चाई, चलिए जानते हैं। देखिए, दरअसल पहले तो केवल 2 स्टंप रखकर ही क्रिकेट को खेला जाता था, और क्योंकि इन दोनों स्टंप्स के बीच का गैप काफी ज्यादा होता था, जिससे कि बॉल इन दोनों स्टंप्स के बीच से होकर गुजर जाती थी। ऐसे में बल्लेबाज को आउट होने का पता ही नहीं चलता था, और इसमें एम्पायर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होते थे। और वैसे तो बाहर के दोनों स्टंप्स ऑफ और लेग साइड के होते हैं, और तीसरा स्टंप जिसे मिडल स्टंप कहते हैं, इसीलिए लगाया गया ताकि बॉल स्टंप्स के गैप में से ना निकल पाए, और अगर बल्लेबाज आउट है तो उसे आउट ही दे दिया जाए, और इससे एम्पायर को भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है डिसीजन लेने में। वैसे आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।